दिल्ली एनसीआर समेत देश के लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। रैपिड एक्स का सपना साकार होने वाला है। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली रीजनल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसके अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को आम जनता इस हाई स्पीड रीजनल ट्रेन का आनंद ले सकेगी। रफ्तार के मामले में रैपिड रेल वंदे भारत एक्सप्रेस को टक्कर देगी। हम इस समय खड़े हुए हैं देश की पहली रीजनल रेल रैपिड रेल के साहिबाबाद स्टेशन पर। साहिबाबाद स्टेशन पर 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी इस रेल का उद्घाटन करने वाले हैं। ट्रेन जो है साहिबाबाद डिपो से चलकर दुहाई डिपो तक जाएगी और इस दौरान 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी जनता जो है 21 अक्टूबर से इस ट्रेन का आनंद उठा पाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद रैपिड एक्स साहिबाबाद से दुहाई के बीच चलेगी। 17 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 मिनट के करीब का समय लगेगा। रैपिड एक्स 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मौजूदा समय में वंदे भारत ट्रेन केवल दिल्ली से आगरा तक अधिकतम 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है। इस तरह वंदे भारत की बराबरी करने वाली ट्रेन भी बनेगी। आम जनता के लिए 21 अक्टूबर से रैपिड एक्स ट्रेनों का संचालन सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक होगा। यानी दोनों दिशाओं में पहली ट्रेन द्वारा परिचालन सुबह 6 बजे से आरंभ होकर अंतिम ट्रेन रात को 11 बजे प्रस्थान करेगी। हर 15 मिनट पर एक ट्रेन उपलब्ध होगी। हालांकि सिस्टम आवश्यकता के आधार पर ट्रेनों का अंतराल कम किया जा सकता है। सामान रखने के लिए लैगेज रैक, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग करने के लिए प्रत्येक सीट पर 2-2 पॉइंट लगे हैं। डायनेमिक रूट मैप लगा है जिससे आपको स्पीड और स्टेशन का नाम पता चल सकेगा। प्रत्येक रैपिड एक्स ट्रेन में 6 डिब्बे हैं जिनमें लगभग 1700 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। पहली रीजनल ट्रेन रैपिड रेल पर, रैपिड रेल जो है ये 6 कोच की होगी। इसमें 5 नॉर्मल होंगे और 1 प्रीमियम कोच होगा। 2 तरह के कोच हैं, पहला स्टैंडर्ड कोच और दूसरा प्रीमियम कोच। स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें हैं और प्रीमियम कोच में 62 सीटें हैं। साथ ही रैपिड एक्स ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह प्रीमियम कोच के बाद दूसरा कोच होगा। इसके अलावा ट्रेन के अन्य कोचों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। वहीं प्रत्येक कोच में विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। प्रत्येक रैपिड एक्स ट्रेन में एक प्रीमियम कोच भी है। प्रीमियम कोच रिसाइकलिंग सीटें, कोट हुक, मैगजीन होल्डर और फुट रेस्ट जैसी कई अतिरिक्त यात्री केंद्रित सुविधाएं होंगी। दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाला पहला कोच और मेरठ से दिल्ली की ओर आने वाला अंतिम कोच प्रीमियम का होगा। इतना ही नहीं, प्रीमियम कोच से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म स्तर पर एक प्रीमियम लॉन्ज भी बनाया गया है जिसके माध्यम से प्रीमियम कोच में प्रवेश मिलेगा। लॉन्ज में आरामदायक गद्देदार सीटें, वेंडिंग मशीन की सुविधाएं होंगी जहां से स्नैक या पेय खरीद सकते हैं। इस ट्रेन से सफर करने वालों को ऑटो और विक्रम में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेशन से उतरते ही इलेक्ट्रिक ऑटो मिलेंगे जो आसपास के इलाकों तक जाएंगे।